हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है वो किस तरह से होता है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है ये है डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट यहाँ पे हमारी चल रही है, जिसके 3 वीडियो लेक्चर हमने पहले ही डिस्कस किए थे यूनिट सेकंड के। आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड का। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, जो आपके सब्जेक्ट है इस साल फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, तो ये तो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो आपका ओल्ड सिलेबस था वहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिसप्रूडेंस, उनके लिए हमने कुछ लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए थे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मतलब इस टाइप के कुछ लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से ये कुछ वीडियो लेक्चर जो आप हिंदी प्लस इंग्लिश में वहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड वगैरह से हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जो है हमारे, ये क्या होता है, सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, किसी बंदे को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मतलब एक तरह से क्या क्राइटेरिया है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए, सभी को यहाँ पे फुल डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर द चैप्टर 4 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया। तो देखिए, जो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 जो पीछे हमने स्टडी किया था, फुल डिटेल में आपको पता होगा अंडर द चैप्टर, तो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर में चैप्टर 4 जो हमारा है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है किसको, फार्मासिस्ट को, इन ऑल स्टेट, जितनी भी स्टेट्स होती हैं, जैसे यूपी हो गई या अदर हमारी यूके वगैरह, यानी जितनी भी हमारी क्या होती हैं स्टेट्स होती हैं उसमें, इन इंडिया, इंडिया के अंदर, तो जितनी भी स्टेट्स होती हैं उसके अंदर जो स्टेट फार्मेसी होती है वो अपने फार्मासिस्ट को क्या कराती है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती हैं। अब देखिए, इस रजिस्ट्रेशन के होने के लिए भी क्या होता है, कुछ मतलब कंडीशंस होती हैं जो एक तरह से उसको फुलफिल होनी चाहिए, जब भी उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे चलिए कंडीशंस हम देख लेते हैं, क्या कंडीशंस होती है, यानी सम कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट हम देख लेते हैं, ही और शी, यानी वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी यहाँ पे हो सकती है, शुड अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी वो लड़का या वो लड़की जो एक तरह से 18 साल में, यानी 18वें साल में तो एंटर कर चुकी है या 18 साल की एक तरह से हो चुकी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एक तरह से हो सकता है और रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट यहाँ पे बन सकती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनेगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन लगेंगी जो आगे हम देखेंगे। जैसे कि सेकंड हम देख लेते हैं, शुड पास एन एग्जामिनेशंस और अप्रूव्ड, यानी उसने क्या किया, एग्जामिनेशन एक तरह से उसने पास की हुई हो, अप्रूव्ड एग्जामिनेशन जो एक तरह से जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके थ्रू हो, और पासिस ए क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाई अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया एंड अप्रूव्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कुछ तो ऐसे पर्सन होते हैं जो इंडिया में जो हमारी अप्रूव्ड एग्जामिनेशन है उसको ही अप्रूव करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जो अदर कंट्री में एक तरह से फार्मेसी वगैरह करते हैं, यानी जो सेंट्रल अपनी गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने एक तरह से अप्रूवल तो दे रखा है, लेकिन जो इंडिया के आउटसाइड से हैं यानी अदर कंट्री से यहाँ पे करके आए हैं लेकिन अथॉरिटी के थ्रू उनको एक तरह से अप्रूवल है, तो इंडिया में एक तरह से क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना फार्मासिस्ट बन सकते हैं अगर उनको अथॉरिटी जो है बनने की वो ग्रांटेड यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अदर स्टेट, वो क्या बन सकता है एक अदर स्टेट में, मतलब फार्मासिस्ट वो बन सकता है लेकिन क्या है उसको, मतलब एक तरह से क्वालिफिकेशन वहाँ। देन चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। अब हम प्रिपरेशन और मेंटेनेंस करते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर की, और ये रजिस्टर किसके लिए होता है, उस फार्मासिस्ट के लिए जो एक तरह से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं। और गाइस, ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही पर्पज़ से, एक तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, दूसरा आपके रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से। आप डी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, आपको PCI जाना होता है, और ये PCI जो होती है यहाँ पे जाके आपको फॉर्म्स फिल करने होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो सारा वर्क है जो यहाँ पे हम स्टडी करा रहे हैं ये आपको खुद भी वहाँ पे करना होता है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। द रजिस्टर शेल इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अब ये जो रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, तो इसमें फॉलोइंग पर्टिकुलर जो एक तरह से इंक्लूडेड की जाती है नेमली, जैसे कि चलिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, द फुल नेम एंड रेसिडेंटल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी वो बंदा जो एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराने गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसका फुल नेम होना चाहिए, साथ में उसका रेसिडेंटल एड्रेस क्या है ये सब एक तरह से वहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, द डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं जो उसकी फर्स्ट डेट है किसकी, इसकी एडमिशन की,
आपने डिफॉर्म में एडमिशन लिया, आपने बीफॉर्म में एडमिशन लिया, तो उसकी जो फर्स्ट डेट होती है वो भी वहाँ पे एक तरह से होती है। अब देखिए ये सब चीज़ें किसके अंदर होती है, जो आपकी मार्कशीट वगैरह होती है उस सभी पे चीज़ें आपको एक तरह से मिल जाती हैं। हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मान लीजिए उसने डिफॉर्म किया है, एम फॉर्म किया है या फॉर्म डी किया है, तो क्या क्वालिफिकेशन है जिसके बेस पे एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा रहा है, ये वहाँ पे उसका होना चाहिए। देन चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इन फर्स्ट रजिस्टर। अब मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट है एक तरह से, जिसको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना है, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे जो फर्स्ट रजिस्टर है उसमें वह अपनी एंट्री यहाँ पे करा सके, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और देखिए जो पॉइंट है आपके, जो पीछे हमने हेडिंग पढ़ी थी उससे सिमिलर मिलते जुलते आपके हो सकते हैं, क्योंकि जगह पर अगर हम देखें तो सिमिलर क्वालिफिकेशन एक तरह से चाहिए होती हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, हिज प्रोफेशनल एड्रेस, जिस बंदे को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है उसका प्रोफेशनल एड्रेस एक तरह से यहाँ पे होना चाहिए, साथ ही में हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जो रजिस्ट्रेशन वो कराना चाह रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि डिप्लोमा के बेस पर डिफार्मा होना चाहिए, डिग्री के बेस पर क्या होना चाहिए, बीफार्मा होना चाहिए, तो ये हमारा देखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फुल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक तरह से उसका फुल नेम क्या है ये यहाँ पे होता है। अदर पर्टिकुलर सच में भी प्रिस्क्राइब, और अदर हमारी पर्टिकुलर जिसके बेस पर एक तरह से प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, तो ये कुछ हमारी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द डेट ऑफ हिज फर्स्ट एंट्री इन द रजिस्टर, डेट को उसकी फर्स्ट एंट्री जो है रजिस्टर में हुई ये भी एक तरह से वहाँ पे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिन्यूअल फीस। तो गाइज ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद उसको टाइम टू टाइम आपको रिन्यूअल भी कराना होता है। आप टाइम से उसको एक तरह से कहते हैं रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो आपका वो कैंसिल भी वहाँ पे हो जाता है। जैसे कि रिन्यूअल कैसे होता है, तो रिन्यूअल आपकी फ़ीस होती है, यानी कुछ पैसे होते हैं जिसके बेस पे क्या होता है आपका वो लाइसेंस रिन्यूअल यहाँ पे होता है। जैसे कि हमने जब कराया था तो आई थिंक हमारी 1000 रुपये फीस कटी थी, जिसके बाद हमें एक रिसिप्ट यहाँ पे मिल गई थी, उसके बाद बाई पोस्ट हमारे घर पे वो आ गया था। तो इस तरह से क्या होता है रिन्यूअल यहाँ पे होता है, यानी ऑन पेमेंट द रिन्यूअल फीस रजिस्टर शेल इशू ए रिसिप्ट एंड सच रिसिप्ट शेल बी प्रूफ ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप फीस कटवा देते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की, यानी रिन्यूअल फीस जो होती है, उसके बाद क्या होता है PCIS आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, रिसिप्ट लेकर आप घर पर आ जाते हैं, और जो आपकी रिसिप्ट होती है एक तरह से आपको प्रूफ होता है कि आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे रिन्यूअल हो चुका है। तो बाय पोस्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके घर पे आ जाता है, तो इस तरह से पूरी रिन्यूअल की प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो वैसे आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट हम छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऑफेंस एंड पेनल्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप फार्मेसी के प्रोफेशन में है तो आपने अपराध कर दिए तो कितनी पेनल्टी या जेल वगैरह आपको हो सकती है, उसको वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।